सो फाइनली दोस्तों जवान फिल्म देखकर आ गया। जी हाँ दोस्तों, जवान फिल्म में भाई नाम जवान है लेकिन फिल्म तो बूढ़ी निकली यार। ओ भाई हेटर्स लोगों, आज प्लीज कान में ठेपा और रुई घुसेड़ लेना, नहीं तो भाई साहब कहाँ कहाँ से खून निकलेगा। क्योंकि जवान फिल्म देख कर आया हूं मैं लेकिन स्टोरी निकली बूढ़ी, भाई साहब म्यूजिक निकला बूढ़ा और कुल मिलाकर दोस्तों एक्टिंग भी निकली बूढ़ी। ओ भाई साहब, दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक कमेंट जरूर करना, बहुत बड़े बड़े खुलासे करूंगा। और दोस्तों थैंक यू, आप इतना सारा प्यार दे रहे हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया मैं, तो कुछ हेटर्स लोग पता है क्या बोल रहे हैं, भाई फाइनली मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहा हूं जवान को, मुझे ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है। भाई साहब मेरी वीडियो वायरल हो गई है, थैंक्स टू हेटर्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हेटर्स लोगों, इतना प्यार देने के लिए। भाई साहब एक बात बताओ, पूरे सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम सब लोग जवान फिल्म की चाटुकारिता कर रहे हैं, सबको पैसे मिले हैं, पेड रिव्यू कर रहे हैं, सबको मैसेज आया हुआ है इतने पैसे लो और पॉजिटिव रिव्यू दो, भाई तो कैसे काम चलेगा। किसी ना किसी को तो सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना, और हम जैसे लोग अगर सच्चे रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं सच का खुलासा करने के लिए मूवी को देखने गया दोस्तों, और मैं मूवी देखा, भाई यकीन नहीं मानोगे, जो मैंने गदर 2 में फर्स्ट डे फर्स्ट शो विदाउट एनी फेक हाइप, विदाउट एनी कॉर्पोरेट बुकिंग, विदाउट एनी सच ए ह्यूज प्रमोशन, दोस्तों पूरे थिएटर के अंदर एक भी सीट खाली नहीं थी, लेकिन यहां पर जवान में सेम शो में सेम टाइम पे गया भाई, लगभग 50% थिएटर खाली था, आगे के सारे रो और सीटें सब खाली मिली दोस्तों, मतलब मैं सरप्राइज था। मुझे ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, भाई मैं इंटरवल के टाइम पर वीडियो बना रहा हूं। अरे भाई साहब इंटरवल के टाइम पे नहीं था, आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसी और भी फुटेज थी जिसके अंदर भाई साहब पीछे के लोग ही बैठे थे, आगे पूरी खाली थी। भाई इस फिल्म को मैं बता रहा हूं, फैमिली ने सिर्फ गदर 2 को देखा लेकिन इस फिल्म को छपरी लोगों ने देखा है। भाई साहब सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे कौन उठता है यार, सारे एसआरकेएस, सारे फैंस ग्रुप जितने भी थे ना भाई, सब लोगों ने मुहिम चलाया था कि सुबह सुबह देखेंगे और अपनी टी शर्ट पहन पहन के दिहाड़ी पे लग गए भाई, क्योंकि 500 रुपए मिल रहे थे, 1000-1000 रुपए मिल रहे थे, सुबह सब जग जग के भाई साहब खूब प्रमोशन कर रहे, फेक खूब टी शर्ट पहन के, खूब पोस्टर लगाकर, तो भाई ये तो माहौल था, तो ये रियलिटी है, इसे खुलासा और करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बॉयकॉट हो रही है जवान, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई जो स्टालिन है उसके कुछ राइट है इस फिल्म को लेकर, उस पर मैंने सोशल मीडिया में देखा, सोचा आपको बता दूं। हेटर्स लोगों के लिए तो ये बैड न्यूज हो सकती है लेकिन दोस्तों शायद ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी हो। भाई एक और चीज, जैसे गदर 2 की लीक हुई थी फिल्म सोशल मीडिया पे, सुनने में आ रहा है कि जवान को भी लीक कर दिया, मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पे लीक हो चुका है, मेरे पास भी कुछ लिंक आए हैं, लेकिन दोस्तों मैंने सच्ची बता रहा हूं अभी तक लिंक ओपन नहीं किया, बट क्या पता कोई सोशल मीडिया पे कमेंट करके लिंक ही डाल दे। तो भाई लोगों टिकट प्राइस महंगी है, 1000-1500 रुपए बचाना चाहते हो तो प्लीज आज जन्माष्टमी के अवसर पर इसको घर पे बैठ के देख सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो आइए शुरू करते हैं रिव्यू। भाई रिव्यू में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगी, पहले अच्छी चीज शुरुआत करते हैं दोस्तों, ताकि थोड़ा सा हेटर्स लोगों का ना मुंह मीठा भी हो जाए। दोस्तों अच्छी चीज लगी मेरे को, एक्शन बहुत तगड़ा लगा, वीएफएक्स बहुत तगड़ा लगा, साथ ही साथ इसमें एसआरके की एक्टिंग कुछ ज्यादा ओवरलोडेड लगी, और इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट मुझे अच्छा लगा, किस हिसाब से शाहरुख खान जी ने लड़कियों की फौज बनाकर जिस हिसाब से देश की चीजों को, देश की जो हालत दिखा रखी है ना फिल्म के अंदर, कि भाई साहब स्कूल सही नहीं है, हॉस्पिटल सही नहीं है, मतलब सरकार का काम एक ऐसा बंदा कर रहा है, एक लड़कियों की फौज लेके चला है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो ये बंदा कर रहा है, तो भाई फिल्म तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसके अलावा दोस्तों दीपिका पादुकोण अच्छी लगी मेरे को, नो डाउट, नयनतारा की एक्टिंग अच्छी लगी और तमाम को स्टार की एक्टिंग भी अच्छी लगी। बुरा क्या लगा दोस्तों, बुरा लगा मुझे स्टोरी, आखिरी रास्ता की सस्ती कॉपी, तमाम बॉलीवुड फिल्में बन चुकी है घिसी पिटी स्टोरी दोस्तों, सेम स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी आप रोज आए दिन साउथ की फिल्मों में देखते हो यार, कुछ नयापन नहीं था। नया क्या था, एसआरके बस दोस्तों अपनी वही एक्टिंग और दोस्तों अपनी बाहें फैलाकर कुल मिला के दोस्तों एक्टिंग कर रहे थे, बस वही दोस्तों थोड़ा बहुत नया देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों साथ ही साथ इसमें और सबसे बेकार चीज क्या लगी, भाई विजय सेतुपति की एक्टिंग अच्छी थी लेकिन भाई साहब एज ए विलन कितना कमजोर विलन बना दिया यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई साहब वो शाहरुख
शाहरुख खान के बगल का जो कोस्टार है ना वो भी मारता ना विजय सेतुपति को तो मर जाता भाई। मतलब असर के ने जानबूझ के अपने सामने विजय सेतुपति को खड़ा किया। अरे भाई किसी बड़े एक्टर को खड़ा करता ना विलन में, लेकिन नहीं विजय सेतुपति को खड़ा कर दिया जो कि वो खुद हिंदी नहीं सही से बोल पा रहा था भाई। उसकी हिंदी सुनने में बड़ा मजा आ रहा था, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कुल्फी बेचने वाला एक्टिंग कर रहा है। इसके अलावा इसमें विजय थालापति का कैमियो बता रहे थे, नहीं है कैमियो। सेकंड इंटरवल में क्या होता है, मतलब लास्ट वाले इंटरवल में भाई साहब उसके अंदर उसके बाप की एंट्री होती है, शाहरुख खान के बाप की। वो बेचारा वो सब कुछ भूल चुका होता है, दीपिका पादुकोण उसकी बीवी होती है मर चुकी होती है भाई, उसका बेटा होता है आजाद डुप्लीकेट और वो अपने बेटे को भूल चुका होता है। बाद में उसका एहसास होता है कि मेरा बेटा है। उसके बाद दोस्तों बाप बेटे मिलकर एक जवान फौज बनाते हैं और क्या करते हैं भाई, सरकार की ईवीएम को चुराते हैं। ओ भाई साहब सरकार की ईवीएम मशीन को चुरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि भाई वोट नहीं देना है, और मैसेज क्या दे रहे हैं कि ये उंगली है ना आप अच्छी जगह कीजिए। ओ भाई साहब, मतलब पूरी फिल्म 300 करोड़ इसलिए बनाई गई है कि सरकार की कमियां दिखाई जा सके, कि ये देश में कोई ना कोई सरकारें ऐसी होती है जो जनता का शोषण करती है, ये मैसेज दिया गया है। और आप लोग सही बटन दबाकर सरकारें बदल सकते हैं। और इलेक्शन से पहले ऐसी फिल्मों का आना भाई, अगर ऐसी बात है ना तो जन्मभूमि आ रही है 2024 के इलेक्शन से पहले, फिर देखना दोस्तों क्या हाल होता है। तो दोस्तों कुल मिला के कहानी बेकार थी, संजय दत्त की एक्टिंग थोड़ी अच्छी लगी, नो डाउट इसमें शाहरुख खान जी का एक्शन बहुत अच्छा लगा, साथ ही साथ इसमें सभी को-स्टार की एक्टिंग अच्छी लगी, और हमारे वो क्या बोलते डॉक्टर गुलाटी वो भी सीरियस रोल में बहुत अच्छे लगे। तो भाई लोगों कुल मिलाकर 300 करोड़ खर्च कर दिए इस पूरी फिल्म में ये मैसेज देने के लिए कि वोट इलेक्शन आ रहे हैं और दोस्तों आपको पता है ना किसको वोट देना है। कुल मिलाकर असामाजिक तत्व के लिए तो फेवरेबल था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उन लोगों को निशाना साधा है, सरकारों को निशाना साधते हुए ऐसी फिल्में बनाई जा रही है। वो भाई गदर 2 के रिकॉर्ड तोड़ेगी लिख के ले लो, लेकिन किस में फेक कलेक्शंस में तोड़ेगी, क्योंकि रियलिटी में तो ऑक्युपेंसी आज 50% भाई खाली। ये फिल्म 2 से 3 दिन चलेगी, क्योंकि हर जगह मैं देख रहा हूं भाई साहब इस फिल्म की वीडियो लीक हो चुकी है, लोग YouTube पर देख रहे हैं भाई, YouTube पर देख रहे हैं। एक बंदे का पिंग आया मुझे बोला कि YouTube पर देख लो, मैंने बोला नहीं मैंने पैसा बर्बाद किया है तो ये वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में उस बर्बादी का हर्जाना लूंगा। तो दोस्तों पैसा वेस्ट मत कीजिए, बहुत महंगी महंगी टिकट है। कुल मिला के इस फिल्म को मैं स्टार दूंगा 5 में से 2.5 स्टार दूंगा भाई। मैं यही कहूंगा पैसा वेस्ट मत करो, मोबाइल में देखो अपनी फैमिली से एलईडी पे लगाओ और आज ही देखो दोस्तों, 1500 रुपए बहुत होते हैं। और भाई लिटरली थिएटर पूरा खाली मिला थिएटर, तो अब आपको क्या करना आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद जय भारत। इसी तरह अपने भाई को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच।